नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी बोल रही हूं। शुरुआत करेंगे रुख करते बड़ी खबर की ओर। रांची में ईडी का बड़ा एक्शन जारी, सीएम सोरेन के करीबी पर कसा शिकंजा, जो अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के ठिकानों पर रेड। सीएम सोरेन के प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद। सुबह 5:30 बजे ईडी के 12 से ज्यादा अधिकारी पहुंचे और सुबह से ही कागजात खंगाल रहे ईडी के अधिकारी। अभिषेक प्रसाद के घर के बाहर सुरक्षा बल भी तैनात हैं, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। सीएम के करीबी विनोद सिंह के घर पर छापेमारी, साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के घर पर रेड। आर्टिटेक रोशन के 2 आवासों पर भी छापेमारी की जा रही और करीब 12 से ज्यादा रसूखदारों के घर पर रेड जारी है। तो सुबह 5:30 बजे से ही ईडी के जो अधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं और फिलहाल छापेमारी जारी है। तो एक बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, रांची में ईडी का एक बड़ा एक्शन, सीएम सोरेन के करीबियों पर शिकंजा कसा गया है, अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के ठिकानों पर रेड की गई है। सीएम सोरेन के प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद। सुबह 5:30 बजे ईडी के 12 से ज्यादा अधिकारी अभिषेक प्रसाद के घर पहुंचे हैं, छापेमारी की जा रही है और सुबह से ही कागजात खंगाले जा रहे हैं। ईडी के अधिकारी अभिषेक प्रसाद के घर के बाहर सुरक्षा बलों को भी तैनात किया है और किसी को अंदर आने जाने की अनुमति नहीं है। सीएम के करीबी विनोद सिंह के घर पर भी छापेमारी हुई है, साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के घर पर रेड पड़ी है। आर्किटेक्ट रोशन के दो आपको बता दें कि आवासों पर छापेमारी की गई है और करीब 12 से ज्यादा रसूखदारों के घर पर फिलहाल रेड जारी है। तो बताते चले आपको कि सीएम सोरेन के करीबियों पर शिकंजा कसा गया है, अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के घर पर छापेमारी, सीएम सोरेन के प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद। तो वहीं आपको बता दें कि आर्किटेक्ट रोशन के 2 आवासों पर छापेमारी, सीएम के करीबी विनोद सिंह के घर पर छापेमारी, साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के घर पर भी रेड पड़ी है। तो लगातार मुश्किलें जो है सीएम सोरेन की वो बढ़ती जा रही हैं। सीएम सोरेन आपको बता दें कि 6ठी बार समन भेजने के बावजूद भी नहीं पहुंचे ईडी के पास ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए, और इसके बाद ईडी ने आपको बताते चले कि उनके करीबियों पर शिकंजा कसा है, करीबियों के घर पर रेड डाला है, छापेमारी की जा रही है। आपको बताते चले कि जमीन घोटाला मामले में सीएम सोरेन का नाम है और ऐसे में पूछताछ करने के लिए ईडी काफी दिनों से कोशिश कर रही है कि सीएम सोरेन से सवाल जवाब हो पाए, लेकिन सीएम सोरेन बता दें कि नहीं पहुंच रहे हैं ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए। और ऐसे में कल सीएम के दफ्तर से, सीएमओ ऑफिस से एक लेटर जो है वो ईडी के दफ्तर पहुंचाया गया है। हालांकि उस लेटर में क्या कुछ था इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सीएम सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू समेत एक दर्जन से भी ज्यादा रसूखदारों के घर सुबह से ही ईडी की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है। मुख्यमंत्री के करीबी और प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के घर पर सुबह 5:30 बजे से एक दर्जन से भी ज्यादा ईडी के अधिकारी पहुंचे और सुबह से ही कागजात खंगाल रहे हैं। सीएम सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू के घर के बाहर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सूरज कुमार ने। देखिए, ये ईडी ऑफिस इन दिनों काफी सुर्खियों में है। वजह बिल्कुल साफ है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 7-7 सम्मन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसी ईडी कार्यालय से भेजे गए हैं और आखिरी सम्मन यानी लास्ट अल्टीमेटम देने के बाद आपने देखा कल किस तरह से सीएमओ के तरफ से एक बंद लिफाफा ईडी दफ्तर में भेजा जाता है। उसके बाद आज सुबह से ही ईडी की कार्रवाई पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, एक नहीं बल्कि दर्जनों ठिकानों पर ईडी की दबिश सुबह से लगातार देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव और पिंटू, इसके अलावे मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाने वाले विनोद सिंह, इसके अलावे साहेबगंज के डीसी राम निवास के साथ साथ ऐसे कई ठिकानों पर ईडी की रेड सुबह से चल रही है। और सूत्र ये बता रहे कि इस ईडी के रेड में कई ऐसे महत्वपूर्ण कागज हाथ लगे हैं, लेकिन अभी ईडी के अधिकारी बताने से कतरा रहे हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि आज सुबह से ही ईडी की कार्रवाई राजधानी रांची के कई ठिकानों पर देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, एक तरफ ईडी की कार्रवाई तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास पर तमाम विधायकों की बैठक बुलाते हैं, यानी 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में
गठबंधन के तमाम विधायक आज बैठेंगे और कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी तैयार होगी कि आखिरकार मेरे ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो उसके बाद अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उस पर आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन ईडी की कार्रवाई अब भी जारी है और इस कार्रवाई में से कई नामचिन लोगों का नाम आ रहा जिसके आवास पर सुबह से ही ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची।